सो आज हम बात करेंगे मॉनिटरिंग मेजरमेंट एनालिसिस एंड इवेल्यूशन। सो डिटरमाइन हमें आइडेंटिफाई करना है कि क्या हमें मॉनिटर करना है और क्या मेजर करना है। सो मॉनिटर मीन्स क्या हमें कंट्रोल करना है, कंट्रोल मे बी प्रोडक्ट की करेक्टरिस्टिक्स या प्रोडक्ट की डायमेंशंस ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेस की करेक्टरिस्टिक्स ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, एंड हमें क्या मेजर करना है। जो हम मॉनिटर कंट्रोल करेंगे उसको हम मेज़र भी करेंगे, और उसके लिए हमें क्या मेजरिंग इक्विपमेंट्स लगेंगे। देन हमें मेथड्स डिसाइड करने हैं कि हम किस तरीके से कंट्रोल या मॉनिटर करेंगे, एंड किस तरीके से हम मेज़रमेंट करेंगे, क्या फ्रीक्वेंसी होगी, कितना सैम्पल साइज होगा, एंड हम उस मेजरमेंट रिजल्ट्स को जो हमने कंट्रोल किया है उसका एनालिसिस कैसे करेंगे, एंड देन इवेल्युएट कैसे करेंगे, इवेल्युएशन कैसे करेंगे। इवेल्युएशन मीन्स द कंपैरिजन बिटवीन द स्पेसिफिकेशन एंड द एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस। सो क्या वो ठीक आ रही है कि नहीं आ रही है, सो हमें इवेल्युएट करना है कि वो ठीक है या गलत है। देन कब हमें वो मॉनिटर करना है, कब मेजर करना है, एंड कब हमें एनालाइज करना है, कब इवेल्युएट करना है। सो एनालिसिस में भी टॉप टू रिजेक्शंस और आउट ऑफ कंट्रोल के टाइम पे हमें क्या करना है, उसको एनालिसिस करना है, उसको कैसे कंट्रोल में लाना है। अगर हमारा प्रोसेस आउट ऑफ नॉन स्टेबल चल रहा है तो हमें उसे कैसे स्टेबल करना है और इवेल्युएट करना है विद द रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड। सो इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। सो हमें इवेल्युएट करना है अपने KPIs ऑब्जेक्टिव या हमारा ओवरऑल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की क्या इफेक्टिवनेस आ रही है, एंड वो जो एविडेंसेस हैं, जो रिजल्ट्स हैं, उसको हमें डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन के अंदर रखना है, मतलब मेंटेन करना है सो दैट कि वो यूज़ कर सकें। नाउ कम टू दी मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। सो जो हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर कैसे मॉनिटर करेंगे, कैसे मेजरमेंट करेंगे, उसके बारे में क्लॉज है 9.1.1। सो परफॉर्म प्रोसेस स्टडीज ऑफ ऑल स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स ऑल न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इंक्लूडिंग असेंबली और सीक्वेंसिंग टू वेरीफाई प्रोसेस कैपेबिलिटी टू प्रोवाइड एडिशनल इनपुट फॉर प्रोसेस कंट्रोल्स। सो हमें प्रोसेस स्टडीज करनी है, स्पेशली हमें ध्यान रखना है कि जो स्पेशल और क्रिटिकल करेक्टरिस्टिक्स है, या कोई हमने नया मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, कोई नई असेंबली लाइन, या कुछ हमने अलग से सीक्वेंसिंग का मतलब एक स्टेज से दूसरे स्टेज, दूसरे स्टेज से तीसरे स्टेज में हमने कोई नई स्टेजेस ऐड की हैं, तो उसकी हमें प्रोसेस कैपेबिलिटी कैलकुलेट करनी है कि वो प्रोसेस कैपेबल है या नहीं है। प्रोसेस कैपेबिलिटी के लिए हम आगे बात करेंगे। प्रोसेस कैपेबिलिटी का मतलब 1.67 CPK और CPK जो कंटिन्यूस प्रोसेस कैपेबिलिटी होती है वो CPK में करते हैं। इनिशियल प्रोसेस कैपेबिलिटी, प्रोसेस परफॉर्मेंस जिसे हम कहते हैं, वो हम इनिशियली करते हैं। सो प्रोसेस कैपेबिलिटी का मतलब है कि ऑन गोइंग प्रोसेस के अंदर क्या हमारा प्रोसेस के अंदर स्पेशल कॉज तो है या नहीं है। अगर नहीं है तो इट मीन्स हमारा प्रोसेस कैपेबल है, और वो थ्रू आउट दी शिफ्ट या थ्रू आउट दी टाइम फ्रेम, सो हर वेरिएशन के अंदर भी हमारा प्रोसेस कैपेबल है। जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में वेरिएशंस आते हैं, मैन पावर चेंज, जो 5M में चेंज आता है, सो चेंजेस होने के बावजूद भी शिफ्ट चेंज ओवर, सिर्फ डे और नाइट टाइम चेंज ओवर या टूल चेंज ओवर या मैन पावर चेंज ओवर, उसके बाद भी अगर हमारे प्रोसेस में स्पेशल कॉजेज नहीं आ रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारा प्रोसेस एटलीस्ट कैपेबल है। सो मेंटेन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैपेबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस रिजल्ट्स एज रिक्वायर्ड बाय कस्टमर इन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस। सो PPAP के अंदर हमें उसके रिकॉर्ड को भी मेंटेन करना है, और अगर कस्टमर हमें मांगता है तो वेरीफाई दी प्रोसेस फ्लो चार्ट्स, प्रोसेस FMEA कंट्रोल प्लान्स आर इम्प्लीमेंटेड। सो जो हमने प्रोसेस फ्लो चार्ट्स बनाए हैं या FMEAs हैं या कंट्रोल प्लान्स हैं, क्या वो इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हैं। सो वेरीफाई दी PFC PFMEA कंट्रोल प्लान आर इम्प्लीमेंटेड इंक्लूडिंग मेजरमेंट टेक्निक्स। जो हमने कंट्रोल प्लान में लिखा है कि हम कैसे उसको कंट्रोल करेंगे या कैसे कौन सी मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करेंगे, हमने सैम्पलिंग प्लान लिखा है कि हम 2 घंटे बाद कितने सैंपल लेंगे या फर्स्ट पीस अप्रूवल में हम 5 पीस को चेक करेंगे,
एंड वी हैव डिफाइंड दी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया आल्सो. कुछ जगह पे तो हम ड्राइंग भी बना देते हैं, उसमें डायमेंशन मेंशन भी कर देते हैं ऊपर हमारे प्रोसेस कंट्रोल चार्ट्स के अंदर. एंड देन वी हैव टू वेरीफाई और एसपीसी चार्ट्स में अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट. सो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया को के हिसाब से वो सही आ रहा है या गलत आ रहा है. रिकॉर्ड्स ऑफ एक्चुअल मेजरमेंट वैल्यूज एंड टेस्ट रिजल्ट्स, जो भी हम मेजरमेंट्स ले रहे हैं या टेस्ट रिजल्ट्स ले रहे हैं उसका रिकॉर्ड करना है. अगर कोई नॉन कन्फॉर्मेंस आ रही है या वो ठीक नहीं आ रहा हमारे कंट्रोल प्लान या पीएफएमई या प्रोसेस कंट्रोल शीट्स के हिसाब से, तो हमें क्या रिएक्ट करना है, हमें उसका उसको कब सही करना है, कौन रिएक्ट करेगा, और अगर उसको एस्केलेट करना है अपने इंजीनियर या बॉस को बताना है तो उसका प्रोसेस क्या होगा. सो जब एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा है तो हमें क्या एक्शन लेना है. सो डिटरमाइन इंफॉर्मेशन ऑन सिग्निफिकेंट प्रोसेस इवेंट्स, टूल चेंज, मशीन रिपेयर टू बी रिटेन. तो जब जब ये कुछ भी चेंज ओवर हो रहा है प्रोसेस के अंदर, जो इवेंट्स हो रहे हैं उसको हमें डॉक्यूमेंटेड करना है और उसको रिटेन भी करना है, सो दैट कि बाद में एनालिसिस के पर्पज से वो हम उसका यूज़ कर सकें. देन इवेल्यूएट द इम्पैक्ट ऑन कंप्लायंस ऑफ टू स्पेसिफिकेशन. जो रिजल्ट आए उसको हमें इवेल्यूएट करना है कि हमारे स्पेसिफिकेशन को मीट कर रहा है. फॉर करेक्टरिस्टिक्स दैट आर अनस्टेबल और सॉरी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि अगर हमारा प्रोसेस अनस्टेबल होता है या स्टेटिस्टिकली नॉट कैपेबल है, लाइक सीपीके वैल्यू सही नहीं आ रही है या हमारे प्रोसेस कैपेबिलिटी के रिजल्ट्स 99.9% या 1100 ppm में नहीं आ रहे हैं, जो हम सीपीके का बोलते हैं कि 1.33 आ जाए तो हमारा 100 ppm का अचीव करता है. सो अगर हमारा प्रोसेस स्टेबल नहीं है या हम कैपेबिलिटीज नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं या सीपीके वगैरह हम नहीं कर रहे हैं, सो हमें रिएक्शन प्लान जो हमारा ट्रबल शूटिंग है उसको इनिशिएट करना है, उसको स्टार्ट करना है. फॉर सच करेक्टरिस्टिक्स इंडिकेट इन कंट्रोल प्लान, जो हमने कंट्रोल प्लान में लिखा है कि हम यहाँ पे एसपीसी नहीं कर रहे हैं या ये हमारा प्रोसेस को लाइक विजुअल कंट्रोल से जहाँ पर हमने एट्रीब्यूट एसपीसी नहीं लगाई है, सो उस जगह पे हमें एटलीस्ट ये ध्यान रखना है कि वो जो प्रोडक्ट नॉन कन्फॉर्मेंस आ रहे हैं या उसको सेग्रीगेट कर सके, उसको कैसे कंटेनमेंट करेंगे, उसको करेक्ट कैसे करेंगे. एंड देन आल्सो वी कैन यूज 100% इंस्पेक्शन, सो दैट कि हम सारे पीस चेक कर लें. अगर या तो हम बोलें कि हमने प्रोसेस कैपेबिलिटी कर ली तो उसमें एसपीसी का पर्पस ही यही है कि अगर हम 100% चेक नहीं करना चाहते, इंस्पेक्शन की कॉस्ट इंक्रीज नहीं करना चाहते, तो कुछ सैम्पलिंग पीसेस को चेक करके हम कह सकते हैं कि हमारा प्रोसेस कैपेबल है और हमारा प्रोसेस बिल्कुल विद इन द स्पेसिफिकेशन बना रहा है प्रोडक्ट, और सो उसमें 100% चेक करने की ज़रूरत नहीं है. और बट अगर हम कैपेबल नहीं हैं और हमारे नॉन कन्फॉर्मेंस आने के चांसेस हैं तो हम वहाँ पर 100% इनिशिएट करें. डेवलप एंड इम्प्लीमेंट करेक्टिव एक्शन प्लान इंडिकेटिंग एक्शन. जब हम रिएक्शंस कर रहे हैं, जब हमें नॉन कन्फॉर्मेंस मिल रही है, तो हम उसके ऊपर करेक्टिव एक्शन लें, उसके रूट कॉज आइडेंटिफाई करें एंड देन उसके ऊपर एक्शंस लिखें और उसको एक्शंस को रिकॉर्ड भी करें. टाइमिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर द प्रोसेस बिकम स्टेबल एंड कैपेबल. सो हम किसी आदमी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दें कि वो प्रोसेस को दोबारा से स्टेबल और कैपेबल करें. द एक्शन प्लान टू बी रिव्यूड एंड अप्रूव्ड बाय कस्टमर इफ रिक्वायर्ड. सो जो अगर हमने एक्शंस लिए, अगर ज़रूरत है तो हमें कस्टमर से उसकी अप्रूवल भी लेनी है. अगर कस्टमर हमें कहता है कि आपका प्रोसेस अगर कैपेबल नहीं है या अनस्टेबल हो जाता है, तो उस वक्त आपने जो एक्शंस लिए हैं क्या वो एक्शंस इन अलाइन विद द कस्टमर है, तो हम कस्टमर से इन्फॉर्म करके कस्टमर से अप्रूवल भी ले सकते हैं कि भाई हमारा ये प्रोसेस अभी अनस्टेबल हो गया है तो अभी कुछ दौरान के लिए हम 100% चेक कर रहे हैं, या हम जो भी एक्शन ले रहे हैं वो कस्टमर को बताएं और उससे अप्रूवल लें. मेंटेन ए रिकॉर्ड ऑफ इफेक्टिव डेट ऑफ परपोस चेंजेस प्रोसेस चेंजेस. सो हम रिकॉर्ड भी मेंटेन करें कि विद डेट वाइज डेट्स के हिसाब से कि हमारे प्रोसेस के अंदर कब चेंज हुआ है या कब चेंज हुआ, चेंजेस को हम रिकॉर्ड करें. आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टेटिस्टिकल टूल्स. सो हम आइडेंटिफाई करें कि हम कहाँ कहाँ पर स्टेटिस्टिकल टूल यूज़ करेंगे और कौन कौन से टूल यूज़ करेंगे. सो अप्रोप्रिएट टू स्टेटिस्टिकल टूल यूज़ करें. इसमें 7QC टूल भी हो सकते हैं, आपके रन चार्ट्स भी हो सकते हैं, आपके कंट्रोल चार्ट्स भी हो सकते हैं, और बहुत सारे XMR चार्ट, X-bar, R-bar, रन चार्ट्स, स्पॉटलाइट चार्ट्स. सो ये हम SPC के अंदर अलग से भी सीरीज स्टार्ट करेंगे, तो इसके बारे में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे. सो वेरीफाई दी अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टूल्स आर इंक्लूडेड इन
as per the APQP process or included in risk assessment FME and control plan. So हमें वो tools इंक्लूड करने या वो आइडेंटिफाई करने ड्यूरिंग दी एपीक्यूपी प्रोसेस और उन सब के ऊपर हमें अप्रोप्रिएट टूल्स यूज़ करने जो हमने डिफाइन किए थे एपीक्यूपी के टाइम पे कंट्रोल प्लान में या एफएमई में. सो एप्लीकेबल स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए. जो लोग इस प्रोसेस के अंदर जो इम्प्लॉयज़ इन्वॉल्व इन कलेक्शन डाटा कलेक्शन कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं या मैनेजमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा कर रहे हैं, तो एटलीस्ट उनको ये मालूम होती है कि वेरिएशन क्या है. वेरिएशन का मतलब यही है कि हम रिपीटेबिलिटी जॉब के अंदर हर चीज़ एक जैसी नहीं आती, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ वेरिएशन आता है. सो वेरिएशन कितने तरह का होता है, कॉमन कॉज और स्पेशल कॉज. कॉमन कॉज वो जो कि मैनेजमेंट कंट्रोल करती है या जो वेरिएशन आएगा ही आएगा. वो एग्जाम्पल मैंने इसके लिए अलग से वीडियो भी डेली, अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें तो अगर कंपनी में आने का टाइम 8 बजे का है तो लोग 8:01, 8:05 या 7:55 इस टाइप से आएंगे, क्योंकि वो कॉमन वेरिएशन है, वो आएगा ही आएगा. अगर हमारी डायमेंशन 8.5 प्लस माइनस 0.5 है तो 8.5 से प्लस माइनस 10 माइक्रोन या 20 माइक्रोन में तो वो ऊपर नीचे वेरी करेगी, क्योंकि हमारा प्रोसेस उस हिसाब से ही डिज़ाइन किया गया है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या हमारी मशीन की कैपेबिलिटी उस हिसाब से है. सो उसे हम कॉमन प्रोसेस कहते हैं. बट स्पेशल प्रोसेस वो जिसका हम नाम दे सकें, जो अलग से आया है या जो कभी कभार आता है. लाइक अगर कोई एम्प्लॉई 10:30 बजे आया तो हम उससे अगर पूछें तो मे बी उसका जाम लगा हो, टायर पंचर हुआ, सो मैनी रीजंस हो सकते हैं. या हमारे कोई डायमेंशन नॉन कन्फॉर्मेंस आई है तो हम पता लगा दी शिफ्ट चेंज हुई है या पार्ट चेंज हुआ है या इंसर्ट चेंज हुई है. सो उस वेरिएशन को हम कहते हैं स्पेशल प्रोसेस, स्पेशल वेरिएशन, और उसको हमें एलिमिनेट करना है, उनको आइडेंटिफाई करके हटाना है. और स्टेबल प्रोसेस वही है जो इसमें हमारे कोई भी स्पेशल कॉज ना हो, सो असाइनेबल कॉज ना हो जिसका हम नाम देते हैं. सो वो अगर हट गए और खाली उसके अंदर कॉमन वेरिएशन के कारण वेरिएशन आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि हमारा प्रोसेस एटलीस्ट कंट्रोल है या स्टेबल है. एंड प्रोसेस कैपेबिलिटी एंड वो है जिससे कि हम फार्मूला लगा के कैपेबिलिटी को निकालते हैं. स्टैटिस्टिशियन ने कुछ फार्मूलेज बनाए हैं, उसके व्याप पे हम सीपी के वैल्यू या पीपी के वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. अगर वो सीपी के वैल्यू 1.33 से ऊपर आती है या पीपी के वैल्यू 1.67 से ऊपर आती है तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारा प्रोसेस कैपेबल है और एटलीस्ट 100 ppm के अंदर हमारे रिजल्ट आएंगे. सो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ओवर एडजस्टमेंट टू बी अंडरस्टूड, कि अगर हम कहीं ओवर एडजस्टमेंट तो नहीं कर रहे. ओवर एडजस्टमेंट का मतलब यह है कि अगर 8 बजे आने का टाइम है तो हम 8:05 पे ही एम्प्लॉय को बोले नहीं तुम कल से 8 बजे ही आओ एग्जैक्ट. सो लाइक 8.5 प्लस माइनस 0.5 है और अभी तक दो पीस 8.5 पे आए, अगला पीस 8.05 पे आया तो हमने एडजस्ट कर दिया मशीन को. सो ये भी हमें देखना है कि हमें ओवर कंट्रोल तो नहीं कर रहे, ओवर एडजस्टमेंट तो नहीं कर रहे अपने प्रोसेस को, तो उससे प्रोसेस और अनस्टेबल हो सकता है. सो अब हम बात करेंगे कस्टमर सेटिस्फेक्शन की. सो मॉनिटर द परसेप्शन ऑफ कस्टमर टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट लेवल ऑफ नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस आर फुलफिल्ड. सो हमें कस्टमर की परसेप्शन को मॉनिटर करना है. परसेप्शन का मतलब यह है कि कस्टमर कैसा समझता है हमारे बारे में. वो नॉट ऑन ऑब्जेक्टिव बेस्ड बट क्या उसकी फीलिंग क्या है कि हम उसकी नीड्स और एक्सपेक्टेशन को कितना फुलफिल कर रहे हैं, उसकी ज़रूरतों को और उसकी जो एक्सपेक्टेशन है उससे ऊपर कर रहे हैं या नीचे कर रहे हैं. सो उसके लिए डिटरमाइन दी मेथड, उसके लिए हमें मेथड बनाने पड़ेंगे कि हम वो कैसे कैप्चर करें और उसको मॉनिटर करें, और अगर उसमें कुछ नेगेटिव फीडबैक आ रही है तो उसको रिव्यू करके और उसको एक्शंस लें. सो एग्जाम्पल ऑफ मॉनिटरिंग ऑफ कस्टमर परसेप्शन मे बी कस्टमर सर्वे, कस्टमर फीडबैक और डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी सर्विसेज के ऊपर हम फीडबैक ले सकते हैं. मीटिंग्स कर सकते हैं विद कस्टमर. मार्केट के स्नैरियो से हम देख सकते हैं कि हमारा मार्केट शेयर परसेंटेज क्या चल रही है, उसका एनालिसिस कर सकते हैं, उससे मालूम चले कि हमारा कस्टमर सेटिस्फाई या नहीं है. कस्टमर की कॉम्प्लीमेंट्स अगर हमारे पास मेल्स आ रहे हैं या मोटिवेशन आ रहे हैं या रिवार्ड अवार्ड आ रहे हैं उससे भी हम देख सकते हैं कि हमारा कस्टमर खुश है या नहीं. वारंटी क्लेम्स में हमारा डाउन जा रहा है या अप जा रहा है, या डीलर्स की रिपोर्ट्स के बिहाफ पे भी हम मेथड बना सकते हैं कि हम पता कर सकें कि हमारा कस्टमर हमसे खुश है या दुखी है.
customer satisfaction by continual evaluation of internal external performance indicator to ensure compliance to. So हम ऐसे KPIs और indicators अपने processes में define कर सकते हैं कि हम product requirement को कितना meet कर रहे हैं, उस customer की process requirement को कितना meet कर रहे हैं, या और कोई customer की specific requirements है या customer requirements है उसको हम कैसे meet कर रहे हैं. सो कस्टमर सेटिस्फेक्शन के अंदर जो IATF के अंदर बोलता है कि एटलीस्ट ऑब्जेक्टिव एविडेंस होनी चाहिए एटलीस्ट इन इंडिकेटर्स के ऊपर कि हमने कितने पार्ट भेजे और उसमें से कितने पार्ट है हमारे बिल्कुल ओके रहे, उनकी लाइन पे भी ओके रहे. सो कस्टमर एंड के ऊपर हमारा रिजेक्शन परसेंटेज क्या चल रहा है, PPM क्या चल रहा है, तो उसका हमारे पास डाटा होना चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए. कस्टमर के लाइन के ऊपर कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रही, डिस्ट्रप्शन तो नहीं हो रही. डिस्ट्रप्शन का मतलब कस्टमर की लाइन तो नहीं बंद हो रही, कस्टमर की लाइन पर कोई इश्यूज तो नहीं आ रहे, लाइन रिजेक्शन तो नहीं आ रही. उसको भी हम उसके बेस के ऊपर भी हम कुछ ऑब्जेक्टिव रखते हैं. डिलीवरी शेड्यूल की परफॉर्मेंस कैसी आ रही है, उसमें इंक्लूडिंग प्रीमियम फ्रेट्स को भी हम मॉनिटर करें. प्रीमियम फ्रेट का मतलब है कि जो हमारा कॉन्ट्रेक्चुअल फ्रेट है, से हमारा एक पार्ट भेजने का खर्चा 1.50 रुपये है जो फ्रेट लगता है जिसके थ्रू हम भेजते हैं उनको, और उसके एक्स्ट्रा अगर हम कुछ कॉस्ट लगाते हैं, लाइक अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट है कि बाई ट्रक भेजना है और हमें बाई एयर या बाई ट्रेन या हमें कोरियर के थ्रू भेजना पड़े या बाई कार के थ्रू भेजना पड़े, सो वो कितने इंसिडेंट्स हुए हैं. इंसिडेंट मतलब कितनी बार वो घटनाएँ घटी हैं जब हमें एक्स्ट्रा फ्रेट देना पड़ा है. सो उसको हम बाई वैल्यू भी मॉनिटर कर सकते हैं, बाई नंबर ऑफ इंसिडेंट्स भी मॉनिटर कर सकते हैं, बट रिक्वायरमेंट इज नंबर ऑफ इंसिडेंट्स. कस्टमर को नोटिफिकेशन ऑन क्वालिटी डिलीवरी, सो कस्टमर ने हमें कितनी बार कंप्लेंट की है, हमें कस्टमर ने कितनी बार हमें बोला है कि आपका माल टाइम से नहीं आया, आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी ठीक नहीं है. इंक्लूडिंग स्पेशल स्टेटस, स्पेशल स्टेटस का मतलब है कि कुछ OEM सब्सक्राइबिंग सॉरी IATF सब्सक्राइबिंग कस्टमर्स उसको स्पेशल स्टेटस में भी डाल देते हैं कि आपके 100% पार्ट को चेक करेंगे या आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं आ रही है, Q1 रिवॉक है, कंट्रोल शिपमेंट है. सो इस टाइप के वो आप कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट में पढ़ भी सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं IATF सब्सक्राइबिंग कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को IATF वेबसाइट से. फील्ड रिटर्न कितने आ रहे हैं, क्या परसेंटेज आ रही है, वारंटी और रिकॉल्स कितने आ रहे हैं, सो उसको भी हमें एक ऑब्जेक्टिव अपने पास या उसको मॉनिटर करना है. सो कस्टमर सेटिस्फेक्शन में मॉनिटर दी परफॉर्मेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस टू डेमोस्ट्रेट कंप्लायंस दी कस्टमर रिक्वायरमेंट. सो हमें एटलीस्ट इतना मॉनिटर करें कि हमारी प्रोडक्ट क्वालिटी कैसी आ रही है और हमारी प्रोसेस एफिशिएंसी कैसी आ रही है. सो हम इंक्लूडिंग द रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस डाटा इंक्लूडिंग ऑनलाइन कस्टमर पोर्टल एंड कस्टमर स्क्रू कार्ड्स वे आर प्रोवाइडेड. सो जहाँ जहाँ पर कस्टमर के अपने ऑनलाइन डाटा हैं, जहाँ पर कस्टमर हमारे साथ शेयर करता है कि आपका हमारे पोर्टल के ऊपर आपकी रेटिंग कैसी चल रही है या कस्टमर हमें सप्लायर रेटिंग देता है, सो उसको हमें प्रायोरिटाइज करना है, उसको सबसे पहले उसको देखना है, उसको रिव्यू करना है, उसको डिस्प्ले करना है, उसको मैनेजमेंट रिव्यू में डिस्कस करना है. सो अगर कस्टमर सेटिस्फेक्शन की मैं बात करूँ तो सबसे पहले हमें प्रायोरिटी देनी है स्कोर कार्ड की, और स्कोर कार्ड का मतलब जो कस्टमर के पोर्टल पे या कस्टमर हमें इन्फॉर्म कर रहा है, अगर वो नहीं होता है तो देन वी हैव टू मॉनिटर ऑब्जेक्टिव बेस्ड डाटा जो हमने इससे पहले बात की थी, और अगर वो भी नहीं है तो एटलीस्ट हम कस्टमर से फीडबैक लें थ्रू सर्वे एंड परसेप्शन. सो मेन इम्पॉर्टेंट जो कस्टमर वाइज है वो मेन कस्टमर पोर्टल एंड स्कोर कार्ड से बहुत अच्छी तरीके से आती है. नाउ कम टू दी एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन. सो अभी तक हमने कंट्रोल और मॉनिटरिंग की है अपने प्रोसेसेस की, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दी एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन. सो एनालिसिस एंड इवैल्यूएट द डाटा इंफॉर्मेशन रिजल्ट टू बी यूज टू इवैल्यूएट. किस किस जगह पर हमें एनालिसिस करना है, किस जगह पे हमें इवेल्यूएट करना है जो इन्फॉर्मेशन से या जो रिजल्ट्स हैं हमारे पास, सो उसके बारे में हम या इस क्लॉज में बात की गई है. सो हमें प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की कन्फर्मिटी मतलब स्पेसिफिकेशन के हिसाब से अगर हम मीट नहीं कर रहे हैं तो फिर हम उसको एनालाइज करेंगे एंड उसके रिजल्ट को इवेल्यूएट करें. कस्टमर सेटिस्फेक्शन को एनालाइज करें एंड इवेल्यूएट करें. क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का इफेक्टिवनेस कैसा आ रहा है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी आ रही है, उसको भी हम एनालाइज करें टाइम टू टाइम एंड उसको इवेल्यूएट करें विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ कस्टमर या ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपेक्टेशन क्या है उसके आधार पर कि कस्टमर और ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है, मैनेजमेंट से क्या चाहता है कि हमारा प्रोसेस के टारगेट्स क्या हों और वो अचीव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं. अगर वो नहीं हो रहे हैं तो उसको फिर एनालाइज करें.
एंड उसको इम्प्लीमेंट करें, जो भी एक्शंस हम डिसाइड करते हैं और जो भी हम प्लान बनाएं कि उसको हम कैसे इम्प्रूव करेंगे. सो द इफेक्टिवनेस ऑफ एक्शन टेकन टू एड्रेस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज. सो जो भी रिस्क आए ऊपर जो हम डिस्कस कर रहे हैं, प्रोडक्ट क्वालिटी से रिलेटेड, कस्टमर सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड या इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोसेस से रिलेटेड, सो उनके रिस्क को आइडेंटिफाई करें, रिस्क को अपडेट करें एंड उस एक्शंस को इस तरीके से लेके वो रिस्क कम हो और उसमें से अपॉर्चुनिटीज ढूंढ करके और फर्दर हम एक्शन प्लान ले करके और इम्प्रूव करें. सो द परफॉर्मेंस ऑफ एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स लाइक करके हमारे इंटरेस्टेड पार्टीज जो एक्सटर्नल हैं वो भी हमें बता सकती है कि आपका मार्केट की ब्रांड वैल्यू गिर रही है, या हम किसी थर्ड पार्टी से मार्केट सर्वे करा सकते हैं. सो उसकी परफॉर्मेंस को भी हम बार बार रिव्यू करें एंड उसके उन सब के बेसिस के ऊपर हम अपने क्वालिटी ओवरऑल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्रूव करें. सो मेथड टू एनालाइज द डाटा कैन इंक्लूड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स. सो हम ग्राफिकली या स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को यूज़ करें, जिसमें ग्राफ्स बना सकते हैं, पाई चार्ट बना सकते हैं, पैरेटो एनालिसिस कर सकते हैं. सो इस टाइप के हम कुछ मेथड यूज़ करें फॉर एनालाइजिंग. एंड देन हाउ टू प्रायोरिटाइज, हम कैसे प्रायोरिटाइज करें, किसको पहले करें, किसको बाद में करें. सो ट्रेंड इन क्वालिटी एंड ऑपरेशन परफॉर्मेंस टू कंपेयर विद द प्रोग्रेस टूवर्ड्स ऑब्जेक्टिव एंड लीड टू एक्शन सपोर्ट प्रायोरिटाइज ऑफ एक्शन फॉर इम्प्रूविंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन. सो कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए इम्प्रूव करने के लिए हम टॉप टू टॉप थ्री ऑब्जेक्टिव्स निकालें कि वो नीचे चल रहे हैं, क्वालिटी या डिलीवरी इशूज चल रहे हैं, या हम एक्शंस को प्रायोरिटाइज करें कि सबसे पहले हम ये एक्शन लेते हैं तो इससे हमारा जल्दी इम्प्रूवमेंट ज़्यादा दिखाई देगा. सो ये भी हमें एनालिसिस करके एंड उसके अगेंस्ट में एक्शंस लेने हैं. सो वी हैव कवर्ड द क्लॉज 9.1 मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट एंड एनालिसिस एंड एवेल्यूएशन. टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल डिस्कस the requirement of internal audit from 9.2 and we will complete again tomorrow the clause number 9. So thank you for watching and please give feedback. Thanks.